Hello students, good morning to all. Today we will start unit 2, learning is fun, section 1, the classroom and the train. This chapter is written by Taxiko Kariangi. This extract is from Toto Chan, the little girl at the window. ये जो extract है ये टोटो चैन की बुक द लिटिल गर्ल एट द विंडो से लिया गया है एंड एंशिएंटिंग बुक बाय टैक्सिको कोरियांगी जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही रोचक बुक है टैक्सिको कोरियांगी की जिनका निक नेम है टोटो चैन सेट इन टोक्यो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि टोक्यो में ही थी इन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड Toto Chan is an inquisitive Japanese girl who asks too many questions and whom her teacher find unmanageable. Toto Chan एक ऐसी girl थी जो बहुत ज़्यादा curious थी वो बहुत ज़्यादा question पूछती थी इस कारण से teacher को वो बहुत ज़्यादा unmanageable लगती थी teachers उसको class में manage नहीं कर पाते थे Her mother takes her to a different kind of a school, hoping that she would be happy and loved. उसकी मदर जो है उसको different kinds of school में लेकर गई अलग अलग school में लेकर गई कि शायद कहीं जाके वो खुश होगी कहीं जाकर उसको अच्छा atmosphere मिलेगा Toto Chan begins her life in this new school that has old railway carriages as classroom. और टोटो चैन ने अपनी लाइफ जो है स्टार्ट की इस नए स्कूल में जो कि एक पुराने रेलवे कैरेज में बना हुआ था रेलवे कैरेज एज अ क्लासरूम जो है वहाँ पर बने हुए थे तो देखिए जब टोटो चैन उस नए स्कूल में जाती है तो उसके साथ क्या होता है किस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पर उसको देखने को मिलता है नो वन हैड अराइव्ड येट व्हेन टोटो चैन गॉट टू द डोर of the railroad car the headmaster had told her would be her classroom jab wo school ke gate par pahunchi school mein pahunchi to wahan par usko koi bhi nazar nahi aa raha tha to headmaster ne use bola apne classroom mein jane ke liye it was an old fashioned car ye classroom jo hai ek old fashioned car tha के रूप में था वन दैट स्टिल हैड अ डोर हैंडल ऑन द आउटसाइड जिसके आउटसाइड पर डोर हैंडल लगे हुए थे जैसे कि पुराने रेल बोगीज़ में या पुरानी कार्स में लगे हुए होते हैं उस तरह के डोर हैंडल्स जो हैं उसमें लगे हुए थे यू टुक होल्ड ऑफ द हैंडल विद बोथ हैंड्स आपको दोनों हाथों से उन हैंडल्स को पकड़ना होता है एंड स्लाइड द डोर टू द राइट और उस दोनों हाथों से पकड़ के दरवाजे को स्लाइड करना होता है राइट हैंड साइड में टोटो चैन्स हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट विद एक्साइटमेंट एज शी पीप्ड इनसाइड जैसे ही वो अंदर कदम रख रही थी तो एक्साइटमेंट के कारण उसका हार्ट जो है बहुत ज़्यादा बीप कर रहा था बहुत ज़्यादा धड़क रहा था जैसे ही वो अंदर गई तो उसके मुँह से आवाज़ निकली ओ ड्यू टू एक्साइटमेंट बहुत उसको अजीब सा लगा वहाँ क्लासरूम का जो वो नए तरीका का क्लासरूम था उसको देख कर उसके मुँह से निकला ओ स्टेडिंग हेयर वुड बी लाइक गोइंग ऑन अ परपेक्चुअल जर्नी और उसने मन में सोचा कि यहाँ पर पढ़ना एक परपेक्चुअल जर्नी की तरह होगा परपेक्चुअल जर्नी इट मीन्स नेवर एंडिंग जर्नी यानी अब उसे ये लग रहा था कि वो यहाँ लंबे समय तक इस स्कूल में पढ़ पाएगी द विंडोज स्टिल हैड बैगेज रैक्स अबाउट देम और विंडोज़ पर वहाँ उस क्लासरूम की विंडोज़ पर अभी भी बैगेज रैक्स थे द ओनली डिफरेंस वॉज दैट देयर वॉज अ ब्लैक बोर्ड एट द फ्रंट ऑफ द कार सिर्फ डिफरेंस ये था जैसे रेल्स में होता है लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस था ब्लैक बोर्ड जो है सामने की तरफ लगा हुआ था एंड द लेंथ वाइज सीट्स हैड बिन रिप्लेस्ड बाय स्कूल डेस्क एंड चेयर्स ऑल फेसिंग फॉरवर्ड
और जितनी भी जो जो लेंथ वाइज जो सीट्स होती हैं ट्रेन्स में, आपने देखा है ना किस तरह से सीट्स लगी हुई होती हैं, तो वो सीट्स जो है उन्हें रिप्लेस करके वहाँ पर स्कूल की वुडन डेस्क और चेयर्स लगाई गई थी, जिनका सबका फेस जो है फॉरवर्ड था, यानी सामने की तरफ था। द हैंड स्ट्रैप्स हैड गोन टू, और जो हैंड स्ट्रैप्स ट्रेन में देखा है ऊपर पकड़ने के लिए स्ट्रैप्स होती हैं जिनको पकड़कर आप अपना बैलेंस बना सकते हैं, तो वो हैंड स्ट्रैप्स जो है उनको भी निकाल दिया गया था उसमें से। बट एवरीथिंग एल्स हैड बीन लेफ्ट जस्ट एज इट वॉज, पर बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा ट्रेन में होता है। टोटो चैन वेंट इन एंड सैट डाउन एट समवंस डेस्क, टोटो चैन अंदर आई और आकर किसी भी डेस्क पे, किसी की भी डेस्क पर बैठ गई। द वुडन चेयर रिसेम्बल्ड दोज एट द अदर स्कूल बट दे वर सो मच मोर कम्फर्टेबल, शी कुड सिट ऑन दैम ऑल डे। और वहाँ पर वुडन चेयर्स जो वहाँ पर लगाई गई थी वो और दूसरे स्कूल्स की तरह ही थी, लेकिन वो इतनी कंफर्टेबल थी कि वहाँ पर वो सारा दिन बैठ सकती थी। टोटो चैन वॉज सो हैप्पी एंड लाइक द स्कूल सो मच, वो बहुत खुश होती है और उसे वो स्कूल भी बहुत पसंद आता है। शी मेड अ फर्म डिसीजन टू कम टू स्कूल एवरी डे एंड नेवर टेक एनी हॉलीडेज, और वो वहाँ पर बैठ कर ये डिसीज़न लेती है कि अब वो हर दिन स्कूल आएगी और कभी भी वो हॉलीडे नहीं लेगी, स्कूल से हॉलीडे नहीं करेगी, वो छुट्टी नहीं लेगी। टोटो चैन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती है। शी न्यू द ट्रेन वॉज स्टेशनरी, वो जानती थी कि ट्रेन जो है स्टेशनरी है, स्टेशनरी इट मीन्स रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है। बट वॉज इट बिकॉज ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज इन द स्कूल ग्राउंड वर स्विंग Slightly in the breeze, it seems to be moving. लेकिन बाहर खिड़की से जब वो देख रही थी तो वहाँ पर जो पेड़ थे और जो वहाँ पर फ्लावर्स थे वो हवा के कारण थोड़ा थोड़ा सा हिल रहे थे, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ट्रेन जो है वो चल रही है। I am so happy, she finally said out loud. और वो फाइनली बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ। देन शी प्रेज हर फेस अगेंस्ट द विंडो एंड मेड अप अ सॉन्ग जस्ट एज शी ऑलवेज डिड व्हेनेवर शी वाज हैप्पी, और वो अपनी चिन जो है विंडो पर टिकाती है और जैसा कि वो हमेशा करती है जब भी वो खुश होती है, जब भी वो खुश होती है, बहुत हैप्पी होती है, तो वो एक सॉन्ग बना डालती है। तो उस दिन भी उसने ऐसा ही किया, उसने एक सॉन्ग क्रिएट किया। सॉन्ग था I am so happy am I, when am I happy, because उसका song चल ही रहा था, तभी क्या हुआ, just at the moment someone got in, तभी कोई अंदर आया, it was a girl, वो एक लड़की थी, she took her notebook and pencil box out of her school bag and put them on her desk, उसने अपनी notebook और pencil box अपने बैग में से निकाला और उसे अपनी डेस्क पर रख दिया। देन शी स्टूड ऑन टिप टू एंड पुट द बैग ऑन द रैक, और उसने उछल कर अपने बैग को रैक पर रख दिया। शी पुट हर शू बैग अप देयर टू, और उसने अपना शू बैग भी वहीं पर रख दिया। टोटो चैन स्टॉप्ड सिंगिंग एंड क्विकली डिड द सेम, और उसे देखकर टोटो चैन ने अपना सिंगिंग बंद कर दिया और उसने भी सेम वैसा ही किया जैसा उस लड़की ने किया। आफ्टर दैट अ बॉय गॉट ऑन, तभी उसके बाद एक लड़का अंदर आया। ही स्टूड एट द डोर एंड थ्रू हिज बैग ऑन द बैगेज रैक एज इफ ही वर प्लेइंग बास्केटबॉल, उस लड़के ने अपने बैग को इस तरह से बैगेज रैक पे फेंका जैसे कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है। ही बाउंस्ड ऑफ एंड फेल ऑन द फ्लोर, और उसका निशाना चूक गया और वो बैग जो है उसका फ्लोर पे गिर गया, तो उसके मुंह से निकला बैड शॉट, सैड द बॉय टॉकिंग टेकिंग एम अगेन फ्रॉम द सेम प्लेस, और फिर उसने वापस से उसी जगह से वापस निशाना लगाया। दिस टाइम इट स्टेड ऑन, और इस बार जो है वो बैग वहीं पर रुक गया।
नाइस शॉट ही शाउटेड फॉलोड बाय नो बैड शॉट। पहले तो उसने बोला नाइस शॉट, लेकिन फिर ये पीछे पीछे उसके मुंह से एकदम से निकला नो बैड शॉट। एज ही स्क्रैम्बल्ड ऑन टू द डेस्क ओपन हिज बैग टू गेट आउट हिज नोटबुक एंड पेंसिल बॉक्स। उसे जल्दी से उसे वापस उतारना पड़ा अपने बैग को, क्योंकि वो अपनी नोटबुक और पेंसिल बॉक्स जो है वो निकालना भूल गया था। तो इसलिए उसने वापस से उसको फॉलो किया नो बैड शॉट। His failure to do the first evidently made it count as a miss. और उसका ये जो failure था, उसकी ये जो असफलता था थी, वो clearly ये बता रही थी कि वो करना भूल गया था। Eventually there were 9 pupils in the car. उस समय वहाँ पर 9 students जो हैं उस कार में थे। They comprised the first grade at Tom Gakwin. और ये सब मिलकर टॉम गेक्विन द नेम ऑफ ए स्कूल टोटोचैन वेंट टू, वो स्कूल जहाँ पर टोटोचैन जाती थी। तो ये सब मिलकर, ये 9 स्टूडेंट मिलकर वहाँ के फर्स्ट ग्रेड को बनाते थे। दे वुड ऑल बी ट्रेवलिंग टुगेदर ऑन द सेम ट्रेन, और उन्हें उसी सेम ट्रेन में आगे ट्रैवलिंग करना था, यानी आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना था, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना था, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना था। गोइंग टू स्कूल इन अ रेड रोड कार सीम्ड अनयूजुअल इनफ, बट द सीटिंग अरेंजमेंट टर्न्ड आउट बी अनयूजुअल टू। रेल रोड कार में जाना तो अनयूजुअल था ही, लेकिन वहाँ का जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो और भी ज़्यादा अनयूजुअल था। At the other school, each pupil was assigned a specific desk. और दूसरे स्कूल में तो हर स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक ड्रेस अलॉटेड होती है, लेकिन वहाँ पर क्या था, they were allowed to sit anywhere they liked at any time. वहाँ पर वो किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी सीट पर बैठ सकते थे। After a lot of thought and good look around, Totochen decided to sit next to the girl who had come after her that morning. और बहुत कुछ सोचने के बाद और चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद टोटोचैन ने ये डिसाइड किया कि वो उस लड़की के पास बैठेगी जो आज सुबह उसके जस्ट नेक्स्ट आई थी, उसके जस्ट बाद में आई थी, और इस तरह से उसने वहीं पढ़ने का ये डिसाइड किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। Have a nice day.